तो मैं आ चुका हूँ फिर से ट्राई करने माइनक्राफ्ट के कुछ क्लोन गेम्स जो आप लोगों ने मुझे बताए हैं। लेट्स गो। सबसे पहले गेम होने वाली हमारी क्राफ्ट अर्थ बॉय। तो ये रही गेम जिसके कमेंट्स आए थे बहुत ज्यादा और इसको डाउनलोड करते हैं। इसके बाद आइस क्राफ्ट जो कि ये रही। ये कैसी गेम है भाई, इसके नीचे और भी है क्रिएटिव सर्वाइवल, ये वाले डाउनलोड करते हैं क्योंकि इसके कमेंट आए थे। इंस्टॉल। एक ये रही पिक्सल क्राफ्ट और इसी का एक और है पिक्सल क्राफ्ट 2। तो हम पिक्सल क्राफ्ट डाउनलोड करते हैं, 2 बाद में देखेंगे। और हम देखेंगे क्राफ्ट्समैन का कोई वर्जन क्योंकि बहुत सारे इसके और मैंने सभी ट्राई नहीं किए। क्राफ्ट्समैन 5 तो खेल लिया हमने, क्राफ्ट्समैन 4 डाउनलोड करते हैं। इंस्टॉल। और लोकी क्राफ्ट के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं तो उनमें से एक डाउनलोड करते हैं, जैसे लोकी क्राफ्ट 2 मैंने खेला नहीं अभी तक। तो जब तक हमारी बाकी गेम डाउनलोड हो रही है तब तक हम इनको ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहली जो है वो है क्राफ्ट्स अर्थ। तो गेम हो चुकी है स्टार्ट और इसका तो लोगो वोगो कुछ नहीं है भाई, सिर्फ प्लेयर सेटिंग्स है, कुछ भी नहीं है। और प्ले करो, क्रिएट न्यू वर्ल्ड, क्रिएटिव क्रिएट। चलो भाई देखते हैं अंदर से कैसी गेम है ये, क्योंकि बाहर तो भाई पूरी खोखली थी, ये कुछ भी नहीं था। तो हमारा वर्ल्ड हो रहा है लोड जो कि ओ भाई बड़ी जल्दी हो गया, बिना ऐड के क्यों लोड होगा भाई वर्ल्ड। तो ये आ चुका हूँ मैं वर्ल्ड में, आई थिंक हाँ आ चुका हूँ। ओ भाई साहब टेक्सचर्स बढ़िया है इसके। घोड़ो ये क्या हुआ तुम्हें, ये ग्लिच हो गया कि ऐसे ही है? ग्लिच्ड है भाई ये, इनके टेक्सचर्स ही लोड नहीं हुए। लॉल। और क्या है भाई आसपास, कुछ भी नहीं भाई, वही सब नॉर्मल सी गेम। अब देखते हैं इसकी इन्वेंटरी। ओ भाई स्टीव सही है भाई, ये तो बिल्कुल कॉपी है बिल्कुल ही। और इसका टेक्सचर्स तो सेम है बट मैं स्वॉर्ड वगैरह देख नहीं पा रहा क्योंकि ऐड आ जा रही है भाई, पॉप अप ऐड दिख रही होगी आपको जो ब्लर है। तो इसका टेक्सचर्स भाई बस इन दोनों के ही चेंज है, बाकी सेम है। हाँ देखो ये पता नहीं भाई क्या किया इन्होंने। तो अब नीचे दिल के टोटम ठीक है, एलिट्रा भी ठीक है, नॉट बैड। बाकी तो इन्वेंटरी सेम है भाई, बस टेक्सचर्स का फर्क है। ये रहा कुछ ऑब्सीडियन एंड पोर्टल फ्रेम्स और आई ऑफ एंडर। सबसे पहले हम बनाएंगे नेदर पोर्टल। भाई मैंने कोशिश तो पूरी की थी अच्छा बनाने के लेकिन ऐसा कुछ बन है भाई, पीसी में होता है हार्ड यार। चलो आई थिंक नेदर बिल्कुल सेम होने वाला है मुझे लग रहा है, क्योंकि अब तो एक्सपीरियंस हो गया भाई मुझे कॉपी गेम्स खेलने का। तो ये है नेदर भाई, बिल्कुल सेम है भाई, कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ मॉब्स के टेक्सचर्स कैसे हैं, ये थोड़े से अलग है हल्के से, और यहाँ पे गास्ट भी था वो रहा। ये तो बिल्कुल सेम है भाई, भाई भाई स्मूथनेस आ गई टेक्सचर्स में। और ये इतना अमीर आदमी कौन है भाई, गोल्ड का ये पहन के घूम रहे हैं। और स्केलेटन क्या बात है। तो नेदर सेम है पता ही था, तो अब एंड बनाते हैं भाई। दुनिया भर की एड्स है इसमें, दुनिया भर की 1, 2 और 3। चलो भाई एंड भी है इसमें, क्या बात है। और कैसा है जरा देखे, एंड तो बिल्कुल सेम है यार, इस एंड में कुछ सूना सूना सा लग रहा है। एंडरमैन बहुत कम है यहाँ पे, हाँ वही बड़ा खाली खाली सा लग रहा है। और एंडर ड्रैगन किधर है भाई, है एंडर ड्रैगन की आवाज आ रही है लेकिन है कहाँ वो। हाँ ये रहा, इधर मेरे को लगा है ही नहीं। ये भी सेम है, टेक्सचर्स का फर्क है ये ले। अरे उड़ ही गया। नेक्स्ट गेम की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारी अगली गेम है आइस क्राफ्ट, लेट्स सी कैसी होती है ये। हमने पिछली बार फायर क्राफ्ट ट्राई की थी और ये आइस क्राफ्ट है, मे बी सेम कंपनी ने बनाई है, बिना ऐड के चलेगी नहीं का गेम सब। तो ये रहा कुछ इसका इंटरफेस, आइस क्राफ्ट स्टार्ट रेटस। अरे खेलने तो दो भाई, अभी रेट कर दूं। तो यहां की हमने स्टार्ट लोडिंग फाइल्स है, कौन सी भाई, भाई आई थिंक ये भी वही होने वाली है अंदर से। अरे मेरे को लगा ही था, जैसे फायर क्राफ्ट थी वो बाहर से एकदम गंदी थी और अंदर जाके क्या मस्त कर दी थी। और ये भी देख सकते हो बैकग्राउंड क्या मस्त हो गया भाई, आई थिंक ये कॉपीराइट से बचने के लिए करते हो गया ऐसा, आई डोंट नो। यहाँ प्ले करूंगा तो बिल्कुल माइनक्राफ्ट हो जाएगी देख सकते हो। ओ भाई साहब इसमें तो सर्वर्स भी है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 3-4 चीजें हैं, आईसी हिल्स कैसल। अच्छा इसको ट्राई करते भाई, इसको क्रिएटिव कर देते लेकिन, क्योंकि वही सेम चीजें देख देख के बोर हो चुका हूँ मैं, आप भी बोर हो गए होंगे आई नो। तो इसलिए इसके वर्ल्ड्स देखते हैं कैसे हैं। तो ये आ चुका हूँ मैं, और भाई साहब ये तो एकदम वर्ल्ड बना रखा है। और ये मेरे पास इन्वेंटरी में ये सब क्या है, गन्स। लॉल। तो यहाँ पे भाई साहब ये तो पूरा वर्ल्ड सा बना रखा है किसी ने, और मैं इसको फायर कैसे करूँ भाई। अरे ओहो कंट्रोल भाई, ओहो क्या बात है। लॉल। तो ये कैसल बनाया हुआ है पूरा आई थिंक, हाँ। और मेरे पास कुछ चीजें हैं इन्वेंटरी में, क्या क्या भाई, एडवांस गन टेबल। अच्छा ये क्या, हेलमेट होगा हाँ। और मैं ये रहा, हेलमेट डालो भाई। अरे हेलमेट कहाँ गया, ये रहा। ओ भाई साहब अरे बहुत गंदा लग रहा है भाई, निकल ले तू। तो ये रहा कुछ कैसल बना आई थिंक, हाँ मुझे लगा पूरे विलेज बनी होगी लेकिन कैसल है सिर्फ, जो कि मस्त है भाई एज अ स्टार्टर। और क्या भाई यहाँ पे चेस्ट भी रखी हुई है बहुत। इसमें क्या है, ये क्या है भाई, अननोन मैप। अच्छा ये कहाँ को जा रहा है भाई रास्ता। अच्छा वॉच टावर, एक काम करते हैं यहीं पे एक पोर्टल बना लेते हैं। अरे ये है तो सही ऑलरेडी ऐसे, यहाँ पोर्टल मुझे बस लाइट करना है पूरा, है ना भाई ये। अरे जला क्यों नहीं, अच्छा वहाँ पे। अरे भाई इसको तो पूरा रखते कम से कम, अब जलेगा बिल्कुल जलेगा। चलो आई थिंक अंदर से भी सेम होगी ये, क्योंकि ऐसे गेम मैं ऑलरेडी खेल चुका हूँ एक फायर क्राफ्ट, उसी की होगी ये। और भाई वाह बिल्कुल सेम लगा ही था मुझे, ये देख सकते हो पिगलिंस। और इधर ये बायोम यहाँ भी बहुत बड़ी भाई, आई थिंक इतनी बड़ी होती होगी मुझे पता नहीं है। तो एज एक्सपेक्टेड ये भी सेम है। अब एक काम करते हैं चलते हैं वापस, चलो यहीं पे बना लेते हैं वो पोर्टल को भी अगर यहाँ बन जाता है तो। ये रहा लास्ट, और यहाँ लगानी मुझे ये आंखें, आई होप सो चल पड़े। अरे एड ये लास्ट, और क्या बात है चल पड़ा, मतलब एंड भी है इसमें। एंडर ड्रैगन को बंदूक से मारूंगा भाई। ओ भाई डबल डबल, ये ले एंडरमैन सबसे पहले तू ले। अरे इनको लग नहीं रही नकली बंदूक है क्या। हाँ भाई एंडर ड्रैगन तू कहाँ है, पता नहीं भाई ये जाली लग रही है मुझे। अरे लग रही है थोड़ी बहुत इसको आई थिंक, ये क्या खून निकल रहा है इसका, हाँ लगी लगी भाई थोड़ी सी। एनीवेज नेक्स्ट गेम की तरफ बढ़ते हैं। हमारी अगली गेम है पिक्सल क्राफ्ट सिटी।
ओके तो अंदर से भाई ये भी थोड़ी खोखली है, मतलब आई थिंक ये फर्स्ट गेम जैसी है, सेम सर्वर्स हो सकते हैं मे भी, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है भाई। फिर से क्रिएट करके देखते हैं, क्या पता वैसे ही निकले ये। भाई एड्स दुनिया भर के चलवा लो इनसे, क्रिएटिव क्रिएट, लेट्स सी भाई कैसी है ये। ओके तो हाँ भाई सेम है ये, बिल्कुल सेम है, यहाँ देख सकते हो आप टेक्सचर्स और ग्राफिक्स से लग रहा पता है बिल्कुल सेम गेम है ये। तू क्या देख रहा है भाई, वैसे इसके ग्राफिक्स अच्छे हैं, देखो ग्राफ्स भी मस्त लग रहा है क्योंकि। और मुर्गी कैसी है ये ले, अरे ले रहा है एक बार ये ले। अरे भाई ये तो स्टीव, अरे बिल्कुल सेम है यार अंदर से भी, ये देख सकते हो। हाँ भाई बिल्कुल सेम है, इसमें मैं क्या चेक करूँ, वो सब तो होगा इसमें जो उसमें था, तो मैं इसमें फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, थोड़ी बड़ी चीजें देखते हैं। भाई बिल्कुल सेम है यार, वही गेम है ये तो, ये देख तो टोटम एलिट्रा ये सब, सबसे मेन बात मैं भाई। एक काम करते हैं सीधा एंड में चलते हैं, तो एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ भाई ये। भाई यहाँ पे एंड नहीं है मेरे हिसाब से, दूसरी बार भी एक्टिव नहीं हुआ, दूसरी बार भी एक्टिवेट नहीं हुआ ये, मे भी नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट गेम में, हमारी अगली गेम है क्राफ्ट्समैन 4 जो की बहुत डिमांडिंग थी। पता नहीं भाई क्या क्या लोड होते रहते हैं इन सब गेम्स में, अंदर से कुछ होता नहीं लेकिन लोड बहुत कुछ होता है। ये क्या भाई प्ले योर वे, अच्छा छोड़ो भाई क्या है ये क्राफ्ट्समैन 4, ओके प्ले, तो इसमें भी सर्वर्स है, क्या बात है। क्रिएट न्यू क्रिएटिव क्रिएट, चलो भाई। अरे भाई ये तो भाई ऑब्वियसली नॉर्मल, क्योंकि पीसी में खेल रहा हूँ मैं, ये ठीक रहते हैं, बाकी के कंट्रोल्स कौन सेट करेगा। जल्दी से बिल्ड हो जा भाई। तो बन चुका है टेरेन वर्ल्ड आई मीन, और ये कैसे कंट्रोल्स है भाई, लॉल इतने सस्ते भाई, और इसके टेक्सचर भी बिल्कुल पुरानी गेम जैसे ही है। अरे जब मार ले भाई, मैं स्पॉन हुआ है कि साइलेंट में लगता तो है, और भाई इतना स्लो, ये तो लोड ही नहीं हो रहे। एनीवेज ये सब छोड़ो, मेन चीज की तरफ बढ़ते हैं जो कि इनमें। भाई ये कैसे टेक्सचर इन्वेंटरी के, मतलब ये सब ठीक है लेकिन ये क्या है भाई, बड़े ही सस्ते हैं भाई ये तो। वैसे टेक्सचर वही नॉर्मल स्मूथनेस ये सब होगा, वो देखो बस सेम है, बाकी ये तो चीजें चेंज होती है में वही सब है, बाकी मेन चीज लेते हैं हम जैसे कि ये टोटम ठीक है नॉट बैड। एलिट्रा को ये क्या हुआ भाई, इसके तो नस से निकल रही है। ये रहा ऑब्सीडियन, ये रही फ्रेम्स, और ये रही आई। ओ भाई तोता किधर को तू जोता है, चलो यहाँ पे बनाते हैं हम, चल अरे अरे बना ही नहीं, चलो। और मैं स्पॉन हुआ हूँ, ओ भाई साहब फोर्ट्रेस में सीधा, पूरी फोर्ट्रेस है ना, पता चला बस यही है। हाँ चलो पूरी फोर्ट्रेस, ओ भाई स्पॉन तगड़ा है भाई फोर्ट्रेस, लेकिन बहुत छोटी सी है ये, अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस है क्या, अबे बहुत छोटी फोर्ट्रेस है ये तो, कोई साइज ही नहीं है इसका, पता नहीं भाई ये कैसी फोर्ट्रेस है। वैसे नेदर सेम है ऑब्वियसली, और ये भी सब सेम ही होंगे। पहले तू ये नहीं जलते क्या वैसे, नहीं भाई क्यों जलेंगे, नरक में जो रहते हैं। चलो भाई अब एंड बनाते हैं जाके, भाई इस गेम में भी बहुत सारे एड्स है लिटरली। चलो यहाँ बनाते हैं अब अपना, ये रही लास्ट, और चलो तो इसमें एंड भी है, क्या बात है। ओ भाई साहब बहुत जल्दी लोड हो गया ये तो। इधर है भाई अंडर ड्रैगन, वो रहा सेम है, बस इसके जो चंक्स लोडिंग है वो बहुत स्लो है, पता नहीं क्या सीन है भाई। और सेम है सब कुछ, सब बढ़िया चंगा, लेट्स गो। हमारी आज की आखिर गेम है मोस्ट डिमांडिंग लोकी क्राफ्ट सीरीज की, और मोस्ट डिमांडिंग है तो चलेगी क्यों ये, तो मुझे आप कमेंट करके कुछ ऐसी गेम्स बताना जो चलते हैं। आई थिंक आज के लिए इतना काफी रहेगा, क्योंकि भाई आज ये गेम्स तो चलती नहीं है, तो आज मुझे ऐसी गेम्स कमेंट करके बताना जो चलती हो अच्छे से पीसी पे, फोन पे तो आई डोंट चल पड़ेगी ये, बट एनीवेज मिलते हैं लुडे में, तब तक के लिए बाय बाय। तो क्योंकि लोकी क्राफ्ट चली नहीं, तो उसकी जगह मैं ट्राई करने वाला हूँ मैक्स क्राफ्ट 2, तो इसको इंस्टॉल करते हैं। तो ये हो चुकी ऑन, और भाई ये कैसी गेम है, बढ़िया अजीब सी है, तो बैकग्राउंड इसका भी बहुत बढ़िया है, सिटी जिसने भी बनाई है मस्त लग रहा है, तो प्ले करते हैं। और ये क्या था भाई, अरे ये तो बिल्कुल फायर क्राफ्ट और आइस क्राफ्ट जैसा सीन है, बाहर कुछ और अंदर कुछ और, क्या बात है। और ये हो चुकी ऑन मैक्स क्राफ्ट 2, क्या बात है, आई थिंक ये भी वैसी होने वाली है गेम जैसी वो थी, और सर्वर्स इसमें नहीं आई थिंक। क्रिएट न्यू क्रिएटिव कंटिन्यू क्रिएट, चलो भाई देखते अंदर से कैसी है ये। तो ये हो चुकी ऑन, और भाई इसके कंट्रोल्स बिल्कुल क्राफ्ट्समैन जैसे हैं। भाई कुछ गेम्स तो कॉपी गेम्स की भी कॉपी है, लॉल इसके ग्राफिक्स बहुत गंदे लग रहे हैं, मतलब ब्लरी ब्लरी से हैं। भाई सब कितना लैग कर रही है गेम। तो मेन चीज की तरफ बढ़ते हैं जो कि मैं इन्वेंटरी और स्टीव सेम है ऑब्वियसली, और इसके ये ग्राफिक्स यहाँ वाले बढ़िया है, कुछ थोड़े से मस्त लग रहे हैं देखने में, और बाकी अंदर से तो वही सब होगा, बाकी सब सेम, और ये दो चीज अलग, वही बात है एलिट्रा में वही देख सकते हो। हम चलते हैं सीधा नेदर में। A few moments later. ये रहा नेदर, और obviously सेम होगा। वैसे जहाँ भी निकलता हूँ मैं ऐसी कॉपी गेम्स में, यही बायोम में आता हूँ, पता नहीं क्यों लगता भाई पैसे खिलाए। यार इनको पिगलिन बोलते हैं, नहीं हाँ पिगलिन ही तो बोलते हैं ये, तो वो दूसरे वाले क्या होते हैं, हॉगलिंस, पता नहीं यार, वैसे मुझे कमेंट करके बताना। तो नेदर सेम होगा, और ये देखो ये डेप्थ स्ट्राइडर कहते हैं इसको, पता नहीं क्या कहते हैं ऐसा कुछ नाम है इसका, हॉगलिंस तो ये है, फिर अरे छोड़ो भाई इतना दिमाग लगाना। और ये रहा लास्ट, चलो है बना क्यों नहीं भाई, आई थिंक इसमें भी नहीं है, ये रहा लास्ट, और नहीं भाई इसमें एंड नहीं है। तो ये रही कुछ गेम्स जो हमने ट्राई की, इनमें से लोकी क्राफ्ट 2 नहीं चली, इसको किसी और दिन ट्राई करेंगे फिर से, तो तब मुझे कमेंट करके कुछ और गेम्स बताना, बिल्कुल कॉपी गेम्स हो जो।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो मैं आ चुका हूँ फिर से ट्राई करने माइनक्राफ्ट कुछ फनी क्लोन गेम्स, और ये सब गेम्स वही होने वाले जो आप लोगों ने मुझे दी है। तो ये रहा अपना प्ले स्टोर, सबसे पहले गेम होने वाली है अर्थक्राफ्ट, ये रही वो गेम और सही लग रही देखने में, तो इसको करते इंस्टॉल, 1 million+ डाउनलोड्स, क्या बात है। एक और गेम थी जिसका नाम है मिनीक्राफ्ट विलेज, ओहो ये सही लग रही है भाई, इसको डाउनलोड करते हैं। और नीचे और भी गेम्स है भाई, स्मॉल विलेज क्राफ्ट, ये कैसी गेम है भाई, इसको भी इंस्टॉल करो। केव क्राफ्ट द लेजेंड, वन ब्लॉक, स्काई ब्लॉक, अच्छा तो ये मिनी गेम टाइप है, तो इसको ट्राई कर लेते हैं। आज कुछ अलग गेम्स ट्राई करेंगे बढ़िया वाली। तो एक गेम मिले मुझे फायर क्राफ्ट करके, आई डोंट नो क्या है, नेदर पे वेव शायद, ट्राई कर लेते हैं। तो हमारी कुछ गेम्स डाउनलोड हो चुकी है और कुछ हो रही है, तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे अर्थ क्राफ्ट को, लेट्स गो। अरे क्रैश हो जा रही है भाई ये तो मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन ये गेम चली नहीं, तो मिनीक्राफ्ट विलेज ट्राई करते हैं अब, आई होप ये चल पड़े। ओके तो ये ऑन हो चुकी है मिनीक्राफ्ट विलेज, क्या बात है, बैकग्राउंड अच्छा है। तो ये मैं शायद घर बना रहा हूँ अपना, जो कि पता नहीं कैसे बन रहा है, लॉल पता नहीं कैसे घर बना रहा हूँ मैं, लेकिन बन रहा है भाई। तो ये मुझे वेल बनाने को बोल रहे हैं, पता नहीं भाई ये क्या है, और तू कौन है भाई, अरे अरे भाई नाच रहा है ये तो, तुझे क्या हुआ भाई अचानक से, फिर से पास जाते इसके, ओ भाई फिर से नाचने लगा, अच्छा मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो कर रहा है ये सब काम, ये नाच के दिखा भाई, एक बार नाच हो जाए मजा आ जाएगा, यह क्या बात है, वाह मजा आ गया, पहले हम निकले यहाँ से। ओ भाई पीछे तो पूरी सिटी है, ये तो मैंने देखी ही नहीं, तो यहाँ पे कार भी है, क्या बात है, इसको चला सकता हूँ मैं, बिल्कुल चला सकता हूँ भाई, उड़ा दो भाई इनको उड़ाओ, और ये ट्रैफिक क्यों लगा यहाँ पे, अरे तू कौन है, विलियम, हाँ भाई विलियम कैसा है, बोले गले मिल सकता हूँ मैं, क्या बात है, ये क्या भाई, ये तो दूर से नमस्कार वाला सीन है, ए भाई ये ले, और भाई कैसा है, हाँ क्या बात है, और भाई कैसा है, क्या बात है, और भाई क्या, ये लिप्स वाला क्या है भाई, और अरे भाई क्या है ये भाई, दोनों लड़के ऊपर, अरे भाई जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से भाई, गेम पता नहीं क्या यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या लिखा है, बीच, चलो भाई, भाई तुम कहाँ पे चढ़े हो यहाँ पे, एक तो सारे बंदे सेम हो भाई, सब कुछ हो गया लेकिन बीच नहीं पहुंचा अभी तक मैं। A few moments later. अरे ये रहा बीच, मैं ऐसे इतने दूर गया, अरे यहाँ पे शिप भी है यार, ये गेम बहुत बोरिंग है, अगले गेम ट्राई करते हैं। हमारी अगले गेम है स्मॉल विलेज क्राफ्ट, यूनर क्राफ्ट स्टूडियो, अच्छा तो हमारी गेम हो चुकी है स्टार्ट स्मॉल विलेज क्राफ्ट, बहुत ही सिंपल है भाई, सिंपल क्या बेकार लगी है। तो पीछे पता नहीं क्या जूम इन जूम आउट हो रहा है बैकग्राउंड में, और बस यहाँ पे प्ले का ऑप्शन है, चलो स्कैनिंग वर्ल्ड, कौन सा वर्ल्ड स्कैन करे भाई, तो अरे ऑलरेडी है यहाँ पे, क्या बात है, ये रहा क्रिएटिव वाला, भाई ये लोड ही नहीं हो रही गेम, कब से ट्राई कर रहा हूँ मैं। A few moments later. तो ये हो चुकी है ऑन गेम, अब क्या है भाई इसमें करने को, तो ये वैसे बहुत बड़ी सिटी टाइप है कुछ, यहाँ पे थोड़े बड़े पेड़ है, ये क्या है भाई, अच्छा ये कोई रेसिंग ट्रैक है, ये मुझे स्कूल जैसा कुछ लग रहा है भाई, पता नहीं क्या गेम है ये लेकिन खतरनाक है, और ये घर है यहाँ पे, क्या बात है, वो भी फैंसी मॉडर्न, ये क्या चीज है, अच्छा थिएटर, ये कैसा थिएटर है भाई, मतलब ये एक सिटी रोल प्ले टाइप गेम है, यहाँ पे ऊपर कुछ ऑप्शन भी है, इसके इन्वेंट्री में क्या क्या है, पॉन एक्स है भाई, बस पॉन एक्स ही है, अच्छा फूड भी है इन्वेंट्री में, तो बहुत खतरनाक, इलेक्ट्रिक्स क्लोथ्स, अच्छा कपड़े भी है इसमें, वेपन टूल्स, क्या बात है भाई, ये कौन सा वेपन है, मस्केट बॉल, ये क्या है, बकशॉट, अच्छा ऐसा कुछ भी होता है क्या। तो यहाँ पे कुछ फोटो मोड भी है, फोटो सेव्ड, अच्छा रे तो फोटो खींच ली। तो ये गेम पता नहीं कैसी थी भाई, मजा नहीं आया कुछ। अब हम ट्राई करेंगे केव क्राफ्ट, जो कि ये भी नहीं चल रही भाई, तो अब फायर क्राफ्ट ट्राई करते हैं, आई होप ये चल पड़े, हाँ ये चल पड़ी। अनाउंसमेंट, अच्छा ओके एग्री, ओ भाई साहब नेदर है, आई थिंक ये नेदर पे बेस्ड गेम है, और भाई ये बहुत ही सिंपल, स्टार्ट द गेम, चलो लोडिंग फाइल्स, अच्छा ओ भाई साहब वो पीछे क्या था और अब क्या आ गया, अरे ये तो पूरी गेम ही चेंज हो गई पीछे से अभी तक, वाओ चलो जरा प्ले करके देखे, ओहो ये तो माइनक्राफ्ट बन गई बिल्कुल अब, और इसमें सर्वर्स भी हैं, क्या बात है। तो यहाँ पे कुछ ऑलरेडी वर्ल्ड्स हैं जो कि आई थिंक मिनी गेम्स के हैं, तो हम एक न्यू बनाएंगे। वैसे मैं हैरान हूँ भाई अभी भी, पीछे गेम कैसी थी और अंदर खोलते कैसे होगी, इसको करें हम क्रिएटिव क्रिएट, चलो भाई अब देखते हैं अंदर कैसी गेम है ये। वैसे फिलहाल तो पूरी माइनक्राफ्ट की कॉपी है लोडिंग से लेकर यहाँ तक। तो गेम हो चुकी है स्टार्ट, तो सबसे पहले हम इसकी इन्वेंट्री देखेंगे, जो कि ऑब्वियसली सेम होने वाली है, कोई भी चेंज नहीं होगा यहाँ देखते हैं। ओके सब सेम है, कुछ चेंज नहीं भाई साहब, बस थोड़े टेक्सचर्स आई थिंक हल्के फुल्के चेंज किए इन्होंने, ये मुझे लगा था ये नेदर पे बेस्ड होगी पर है नहीं है, तो हम इसलिए नेदर और एंड में जाके देखेंगे। तो आई डोंट नो क्यों मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा कुछ भी, मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। एंड फ्रेम्स और आयो फेंडर चाहिए मुझे, ये रहा आयो फेंडर मिल जाए, ये रही, क्या बात है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे नेदर, ये हुआ लाइट, चलो तो नेदर तो है भाई इसमें, तो आ चुका मैं नेदर में, जो कि भाई साहब बिल्कुल सेम है लिटरली भाई, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। तो बायोम को ज्यादा बड़ी है लेकिन इतनी बड़ी होती नहीं माइनक्राफ्ट में, मतलब होती है लेकिन इतनी नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, या फिर मैंने एक्सप्लोर नहीं किया अभी तक इतना। और यहाँ पे ये देखो हॉगलिंस, यही कहते हैं इनको, जो भी कहते हैं तो हॉग ही है, ये लो जलो अबे साले। तो नेदर तो है भाई यहाँ पे, इसलिए अब चलते हैं हम एंड चेक करने, और माया कहाँ से था मैं भूल गया, और वो रहा, चलो अब यहाँ चेक करेंगे, यहाँ पे बनाते हैं अपना पोर्टल। मैं इसमें आयो फेंडर लगा नहीं पा रहा भाई, आई डोंट थिंक एंड जा सकते इसको मतलब। A few moments later. अरे नहीं लग रही है, ये कैसा ग्लिच था पीछे जैसे,
तो चलो एंड में, तो मतलब एंड भी है इसमें, पता नहीं क्या ग्लिच हुआ था वो पीछे। तो आ चुका मैं एंड में और यहाँ पे एंडर ड्रैगन किधर है, ये रहा एंडर ड्रैगन भी है इधर, वो भी नॉर्मल है। तो मतलब सब कुछ सही है इस गेम का, सही है, नॉट बैड। अगले गेम की तरफ बढ़ते हैं अब। तो अब जैसे कि ये अर्थक्राफ्ट और केव क्राफ्ट चली नहीं थी, तो इसकी जगह मैंने दो गेम्स डाउनलोड किए हैं, जो कि है एक ईयर्स क्राफ्ट और क्राफ्ट वर्ल्ड। तो पहले इसको ट्राई करते हैं, आई होप चल पड़े। पता नहीं मुझे फील आ रही है कि चलेगी नहीं, क्योंकि वाइड स्क्रीन में फंस चुकी है ये। नहीं नहीं चल रही है। तो ये रही गेम और ये रहा स्टीव, जो कि पता नहीं ऐसा क्यों है। यहाँ पे सेटिंग्स है चेंज, अच्छा चेंज स्किन भी है, पता नहीं भाई देख तो कुछ ना दी। तो सेटिंग्स में क्या है, वही सब नॉर्मल सेटिंग्स होगी वैसे। हाँ तो इसको छोड़ो, प्ले करो। एड्स तो होनी चाहिए भाई, जरूरी एड्स भाई। ये एड भी ऐसा है, ये स्किपेबल नहीं है, मतलब इसको हटा नहीं सकता मैं, गेम रिस्टार्ट करनी पड़ेगी भाई। लिटरली कितना दुख है लाइफ में। क्रिएट न्यू, क्रिएटिव, कंटिन्यू, क्रिएट। चलो भाई, ये पीछे बैकग्राउंड इतना गंदा क्यों है भाई, ये कैसल बनाया हुआ है किसी ने, वो भी सस्ता सा। तो वर्ल्ड हो रहा हमारा लोड, क्योंकि बहुत फास्ट है। वाओ, तो यहाँ पे स्पॉन हुआ फिर से रेगिस्तान में, हर बार की तरह पता नहीं क्यों। वैसे गेम पूरी माइनक्राफ्ट लग रही है, और ये नई बायोम आ चुकी है। ओ भाई साहब, माइनक्राफ्ट जावा, आई मीन टेक्सचर्स वगैरह। और क्योंकि ये अकेकिया बायोम है, तो मुझे विलेज मिल जाएगी आसपास, तो ना सर्च ही कर ले भाई। -328 को 80 रख लेते हैं, 168। चलो टेलीपोर्टर स्टीव टू। अच्छा इधर है भाई विलेज, ऊपर तो आसमान है, नीचे ये रहा। और भाई आयरन गोलम, ये ले आयरन गोलम, वैसे बिल्कुल सेम है। यहाँ पे टेक्सचर्स थोड़े मस्त है भाई, रियलिस्टिक, क्या बात है। और ग्रास ये तो मैंने अभी देखा, पेड़ भी ठीक है, और ये बढ़िया है। अब विलेजर्स की शक्ल देखनी है मुझे। हाँ भाई विलेजर्स किधर हो, अंदर छुपे हो क्या? विलेजर्स कहाँ पे भाई, विलेजर्स नहीं है क्या इधर? यहाँ पे अंदर घुसा कोई अभी है? कहाँ गया वो? अरे ये रहा, अच्छा पीछे गया, ये रहा विलेजर, जो कि अकेला एक शायद, ये भी सेम है, निकल यहाँ से। तो इसकी इन्वेंटरी बहुत मस्त है भाई, मतलब सेम है लेकिन टेक्सचर स्मूथ है। यहाँ देख सकते हो क्या लग रहे हैं, और वाह भाई ये वाली दोनों स्पॉट्स भी सेम है, सब कुछ सेम है। मतलब ये रहा फिर इंडस्ट्रियल, इसको ले लेते हैं। टोटम ऑफ अनटाइम, क्या बात है, अच्छा लग रहा है। वैसे मैंने जितने भी गेम्स ट्राई किए सब में ये अलग है, ट्राइडेंट भी क्या बात है। ये रहा एंड, ये रही आयो फेंडर, ये रहा ऑब्सीडियन। सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे नेदर, इसको करो लाइट और चलो। तो ये आ चुका मैं कहीं, पता नहीं कहाँ पे आया हूँ भाई, यहाँ से ओपनिंग है शायद मुझे, क्योंकि घास की आवाज आ रही है। नहीं भाई मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, नहीं भाई ऊपर से क्लाब आ रहा है। वैसे नेदर सेम ही होगा, ये रहा ऊपर जाने का रास्ता। तो नेदर तो बिल्कुल सेम है, आगे जाके कुछ बायोम देख लेते। हाँ ये रही एक बायोम, सेम है, नॉट बैड। अब यहीं पे पोर्टल बना लेते हैं वापस जाने के लिए, क्योंकि वहां कौन जाएगा भाई इतनी दूर। चलो अब यहीं पे बनाते हैं एंड। अरे भाई एड्स, ये रही लास्ट और चलो। वैसे इसकी लोडिंग स्क्रीन का बैकग्राउंड अच्छा है। और यहाँ पे एंड में आ चुका हूँ मैं, और एंडर ड्रैगन भी है यहाँ पे, कहाँ पे है, ब्लैक कलर का ही है, सही है। हाँ भाई छोटू कहाँ भाग रहा है मेरे से डर के। अच्छा मैं इसकी एंड सिटी में भी जाना चाहता हूँ, कितनी दूर है यहाँ से, -900 -1300। चलो ये रही एंड सिटी, एक तो एंड सिटी बोलते हैं भाई, मुझे समझ नहीं आता, बस एक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे शिप भी है, नहीं है, हाँ वो रही इसकी शिप बड़ी नीचे है, पता नहीं या मुझे ऐसा वहम हो रहा है, क्योंकि काफी टाइम बाद आ रहा हूँ मैं यहाँ। एलेक्ट्रा किधर है भाई, लूट तो गंदी है और ये भी गंदी भाई, से टेक्सचर्स अच्छे हैं वैसे देख सकते हो आप। और वो रहा एलेक्ट्रा, जिसको कि मैं ले लेता हूँ, ले लिया मैंने, है कहाँ गया वो पता नहीं भाई, कहीं गायब हो गया लॉल। चलो अगले गेम की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी आज की आखिरी गेम है क्राफ्ट वर्ल्ड, चलो इसको ट्राई करते हैं। बड़ी जल्दी लोड होगी भाई ये, न्यू क्रिएटिव क्रिएट वर्ल्ड। यार ये मैंने आई थिंक खेली है, मतलब यही नहीं है कि ऐसी सेम से, क्योंकि बहुत सारे गेम्स के सर्वर सेम होते हैं। और ऐड तो भाई वाह भाई, माइनक्राफ्ट की ऐड आ रही है। इनकी चाल देख रहे हो, मैं टाइप करूंगा तो प्ले स्टोर पे ले जाएंगे मुझे, देख रहे हो चालाकी, वो भी मुझसे। तो ये रही गेम और भाई बहुत गंदी है, ऐसे खेली मैंने बिल्कुल, क्योंकि सेम इसकी इन्वेंटरी बिल्कुल सेम रहती है, देख सकते हो टेक्सचर्स गंदे होते हैं बस थोड़े हल्के फुल्के, ज्यादा नहीं, बाकी तो सेम ही है देख सकते हो। और मैं कहाँ पे हूँ, ये रहा मैं जो कि हवा में चल रहा है, पता नहीं वहाँ इसमें इधर सर्च का बार भी नहीं है, तो मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। ये रहा ऑब्सीडियन, फ्लिंट एंड स्टील इसमें होता है आई थिंक, ये रहा। अब मुझे चाहिए एंड फ्रेम्स, नहीं है क्या इधर, क्योंकि मैं सर्च भी नहीं कर सकता। नहीं है भाई एंड फ्रेम ये नहीं है भाई, ये रही आयो फेंडर, मुझे आयो फेंडर ढूंढनी है आई थिंक यहाँ पे होगी वो, आई होप सो भाई। मुझे तो आयो फेंडर, यार आयो फेंडर इसमें है ही नहीं है, तो मैं मिस कर रहा हूँ, पता नहीं भाई, एक तो सर्च भी नहीं कर सकता मैं एक बार कमांड लेके ट्राई करता हूँ, अगर इसमें कमांड्स हैं तो, आई डोंट थिंक इसमें कमांड्स हैं, तो मुझे नेदर ही ट्राई करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 और लाइट किया, चलो। वैसे लोड बहुत जल्दी हो रही गेम भी, और भाई ये तो 2010 वाली गेम है। ये भी क्यों दिया भाई, इससे अच्छा देते नहीं एंड की तरह। अरे तू निकल यहाँ से। और अरे भाई नेदर पोर्टल के पास ही स्पॉन हुआ मैं, इसको देख लेते हैं भाई, क्योंकि एंड तो हम जा नहीं सकते। ये रहा अंदर जाने का रास्ता, और वैसे कोनों में चेस्ट होती है इधर क्यों नहीं है, ये कैसी फोर्ट्रेस है भाई, बड़ी अजीब सी है कुछ, पता नहीं भाई क्या है ये। तो ये रहे कुछ गेम जो हमने ट्राई की, जिसमें से ये दो चली नहीं, इसको किसी और एपिसोड में ट्राई करूंगा फिर से, लेकिन आज नहीं, आज इतना काफी है। आप लोग मुझे कमेंट करके और गेम्स बताना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय। तो आज मैं ट्राई करने वाला माइनक्राफ्ट के कुछ ऐसे क्लोन गेम्स, जिनको खेल के लगा गया नहीं वो माइनक्राफ्ट की कॉपी है। सबसे पहली हमारी गेम होने वाली एथरक्राफ्ट, और ये रही वो गेम जो कि भाई साहब बहुत
बहुत ओपी लग रही है, इसको करते इंस्टॉल। इसके बाद है क्यूबिक मैन जो कि ये रही, और ये थोड़ी सलग होने वाली मुझे लगता है, बट इसमें ड्रैगन कार ये सब क्या है भाई, इसको इंस्टॉल करते हैं। एक ये भी है गेम क्राफ्टमैन सुपर करके, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। और एक सुपर क्राफ्ट भी है भाई, ये थोड़ी खतरनाक लग रही है, क्या बात है, इसको इंस्टॉल करो। तो जब तक हमारी बाकी गेम्स डाउनलोड हो रही है, हम खेल लेते हैं एथर क्राफ्ट को। ओ भाई साहब लोडिंग तो माइनक्राफ्ट वाली हुई यहाँ पे, बस लोगो नहीं है यहाँ पे। वेलकम टू एथर बिल्डिंग क्राफ्ट, ओके भाई इसका बैकग्राउंड है ही नहीं या फिर ग्लिच हुआ है पता नहीं भाई। ये तो ये रहे हम, इसकी सेटिंग्स देखे तो कुछ भी नहीं है भाई इसकी सेटिंग्स में, तो बेसिक सेटिंग्स है नॉर्मल। और ये क्या हो रहा है भाई, ग्लोबल रिसोर्सेज ओके, स्टोरेज ऑडियो वीडियो ये सब है। वीडियो का काम करते हैं हम, पॉकेट से क्लासिक कर लेते हैं इसको, जीवाई को -1, रेंडर डिस्टेंस बढ़ा देते हैं पूरा 9 तक जाता है बस। अब करते हैं प्ले, और यहाँ पे अंदर क्या है, सर्वर्स है, सर्वर्स है वैसे इसमें। ओ भाई साहब क्या बात है, तो ये भी मतलब रजिस्टर्ड गेम है, सब कुछ सर्वर भी एड कर पाएंगे, मतलब मल्टीप्लेयर है इसमें। वर्ल्ड करते हैं क्रिएट, क्रिएट न्यू वर्ल्ड, तो इसमें बस दो ही ऑप्शन है, इसमें हम मॉड्स वगैरह यूज नहीं कर सकते क्या, एडवांस टाइप के नीचे तो कुछ है नहीं रहा मेरे हिसाब से, नहीं होगा। डिस्टेंस को बढ़ा के कर देते हैं, क्रिएट करते हैं, अब देखते हैं भाई अंदर से कैसी होने वाली है गेम। भाई इसका बैकग्राउंड है ही नहीं या फिर कोई ग्लिच हुआ, आई डोंट नो, क्योंकि पूरा ग्रे है भाई। तो कंट्रोल्स मैं वैसे थोड़े यही वाले लूंगा क्योंकि पीसी में हूं मैं इस वक्त। तो ये हो चुकी हमारी गेम लोड, और भाई साहब एड्स थोड़ा बहुत खेलने देते भाई। तो ये रहा वर्ल्ड, मैं स्पॉन हुआ डेजर्ट, नहीं डेजर्ट में नहीं, मैं स्पॉन हुआ प्लेन्स बायो में। ओके सबसे पहले भाई इन्वेंटरी देखते हैं इसकी कैसी है, और ओ भाई लिटरल माइनक्राफ्ट, इसके ग्राफिक्स थोड़े ब्लरी हैं, आपको भी लग रहे हैं क्या, पता नहीं भाई मुझे लग रहा है या फिर ऐसा ही है। बाकी ये रहा मैं एलेक्स, देखो टेक्सचर्स तो बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं इसमें, बिल्कुल डिट्टो है भाई, बिल्कुल डिट्टो। सबसे पहले हम यहाँ से ले लेते हैं एंड फ्रेम, आयो फेंडर, ऑब्सीडियन और फ्लिंट एंड स्टील, पर उससे पहले चेक करना चाहता हूँ इसमें चीट्स है। ओके चीट्स है, तो हम एक काम करते हैं विलेज में देखते हैं विलेज कैसी यहाँ की। तो मैं टेलीपोर्ट हुआ विलेज में, और विलेज है कहाँ पे भाई जरा दिखाओ मुझे भी, भाई बहुत स्लो लोड हो रही है ये, तो बेड वगैरह दिख रहे हैं मुझे। हाँ ये रही विलेज, क्या बात है, और विलेज तो सेम ही है ऑब्वियसली, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था इनसे, ये कोई बड़े बड़े कोठे बंगले बना के दे देंगे। हाँ भाई आयरन गोलम, अरे तू आ जा पहले, आयरन गोलम को बाद में देखता हूँ मैं, अरे हर मिनट में तो ऐड आ जा रही है भाई। तो ये सब तो सेम ही है भाई, अब एक काम करते हैं नेदर में चलते हैं, नेदर के बाद हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग होल्ड को। चलो तो नेदर तो भाई बिल्कुल सेम है ऑब्वियसली, भाई पूरी गेम ही सेम है, नेदर तो कुछ नहीं उसके सामने। और मैं स्पॉन हुआ हूँ क्रिम्सन बायो में, यही कहते हैं इसको, और थोड़ा सा सोल सैंड वैली में भी। हाँ भाई स्केलेटन ये ले। अब यहाँ पे काम करते हैं लोकेट करते हैं फोर्ट्रेस को, तो ये रही फोर्ट्रेस, ओके फोर्ट्रेस भी सेम है, कुछ चेंज नहीं इसमें। और ये रहा मेरे मुंह के सामने ब्लेज और विदर स्केलेटन, मतलब इसमें विदर भी मार पाएंगे हम, और वो रहे अपने पिगलिंस। अब एक काम करते हैं चलते हैं ओवर वर्ल्ड में वापस। चलो इसकी वजह से लोडिंग बहुत स्लो है, चंग लोडिंग और कुछ भी लोडिंग का वो सब स्लो है भाई बहुत ज्यादा। एक सेकंड, मेरा ये स्ट्रॉन्गहोल्ड विलेज के नीचे है क्या, क्योंकि यहीं से तो गया था मैं। ओ भाई क्या बात है, जरा नीचे जाके देखते हैं, जो कमाल की बात है। ओ भाई ये तो एकदम नीचे है, मुश्किल से ये 25 से 30 ब्लॉक नीचे है भाई, क्या बात है, बढ़िया है भाई। और यहाँ पे सब कुछ सेम होने वाला है स्ट्रॉन्ग होल्ड का भी, यहाँ देखो ये रही लाइब्रेरी, वो रहा पोर्टल, और भाई छोटे मोटे चीजें होंगी लाइब्रेरी और ये सब स्ट्रक्चर। हम सीधे चले पोर्टल की तरफ, गेम मोड करते हैं क्रिएटिव, और अब लगाते हैं यहाँ पे आंखों को। चलो अब देखते हैं भाई एंड कैसे इनका, अब चलते ऊपर देखते हैं एंडर ड्रैगन को, एंडर मैंस को। और भाई एंडर मैंस क्या कर रहे हो तुम, वही इधर उधर घूमते रहते टेलीपोर्ट होके। और ये रहा एंडर ड्रैगन जो कि सेम है, क्या बात है। हाँ भाई, और डर गया क्या मेरे से, जुट गया। अच्छा अब चलते हैं एंड सिटी में, तो मैं ओ भाई सब सीधे एंड सिटी के अंदर आ गया मैं तो। और ऊपर चल के देखते भाई ये शल्कर बॉक्सेस। हाँ भाई शल्कर कैसे तुम, निकलो बाहर अब, डर गए भाई मेरे से। तो ये रही एंड सिटी हमारी, और यहाँ पे शिप भी होनी चाहिए आई होप सो। हाँ वो रही, ये रहा ड्रैगन हेड, और अंदर एल्ट्रा भी होगा ऑब्वियसली। तो ये गेम तो बहुत तगड़ी थी भाई, अब तब चलते हैं अगली गेम की तरफ। आज की अगली गेम है हमारी क्यूबिक मैन, चलो देखते हैं अंदर से कैसी। अरे ऑब्वियसली भाई ये तो होना ही था किसी ना किसी गेम के साथ। अब ट्राई करते क्राफ्टमैन सुपर, और आई होप ये चल पड़े। ओके ये चल पड़े आई थिंक। ये रही किंग क्राफ्ट, किंग क्राफ्ट है क्या उसका नाम, मैं तो क्राफ्टमैन सुपर खेल रहा था लेकिन, तो हाँ पता नहीं बाहर क्या था वो। तो ये रहा मैं जो कि दिख नहीं रहा लेकिन मेरा नाम है आरी। लोडिंग एंड्स ऑब्वियसली भाई, अभी तो एक ऐड आई, तो यहाँ पे है। ओके मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पे सेटिंग्स, मार्केटप्लेस, स्किन्स, अचीवमेंट्स, सेटिंग्स में देखे तो क्या है। ओके सेटिंग्स थोड़ी अच्छी लगी मुझे, मतलब यूआई जो है थोड़ी सी इसकी। ओके तो नॉर्मल सेटिंग्स होगी ऑब्वियसली। तो मार्केटप्लेस है इनके पास, ये कौन सा वर्ल्ड है भाई, मैं तो मार्केटप्लेस में गया था। और ये रही स्किन्स जो कि ओके मैं ये वाली ले लेता हूँ। अचीवमेंट्स फिर से वर्ल्ड में आ गए, चलो छोड़ो इसको प्ले करते सीधा, और क्यों ना इसी वर्ल्ड को खेल ले, बना हुआ है पहले से तो। लेट्स सी भाई कैसा वर्ल्ड है ये, क्या इसके अंदर 250 MB का था भाई वो, अरे इतने की तो गेम में नहीं है मेरे ख्याल से जितने का वर्ल्ड है वो। तो ये गेम बार बार क्रैश हो जा रही है जब भी वर्ल्ड के अंदर जा रहा हूँ, आई डोंट नो क्या ग्लिच हो रहा है। तो आई थिंक ये भी नहीं चलेगी पीसी में, हमारी क्यूबिक मैन और क्राफ्टमैन सुपर दोनों ही नहीं चली। तो सुपर क्राफ्ट ट्राई करते हैं जो कि ऑब्वियसली ये भी नहीं चली भाई, पता नहीं भाई क्या प्रॉब्लम इन गेम्स को। तब तक ये वाली गेम डाउनलोड करते हैं जो कि मैंने ढूंढी, बिग हाउस क्राफ्ट इंस्टॉल करो, और इसके जैसे एक स्मॉल हाउस क्राफ्ट, लॉल एक बिग एक स्मॉल दोनों
को डाउनलोड करते हैं। और एक ये गेम है फैंसी क्राफ्ट, आई थिंक ये भी कोई रोल प्ले टाइप है, इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो बिग हाउस क्राफ्ट को ट्राई करते हैं सबसे पहले, आई होप ये चल पड़े। ओके ऑन तो हो चुकी है, ये क्या नाम है, ये तो बड़ी बेकार है भाई। प्ले करो स्कैन वर्ल्ड बिग हाउस ऑब्वियसली, तो इसमें ऑलरेडी है एक, तो इसको ही प्ले कर लेते हैं। क्रिएटिव तो है ही ऑलरेडी, तो देखते हैं अंदर से कैसी है ये। स्पॉनिंग जैकरी है, ये क्या है। ओके तो आई थिंक गेम में आ चुका मैं, और भाई साहब ये कैसी गेम है। तो ये गेम कुछ अजीब सी है भाई, बड़ी तगड़ी सी है, लेकिन इसके देखो फर्नीचर वगैरह इधर, तो क्या बात है भाई, मेरे को अच्छी लगी वैसे ये। तो यहाँ पे करूँ क्या भाई, लेकिन मैं आई थिंक ये मेरा घर है क्योंकि मॉडर्न हाउस है भाई। ये रहा, और ये क्या डंबल, और ये जिम है क्या अंदर, नहीं ये तो अच्छा ऐसे डंबल रखे हैं योगा वोगा के लिए। और ये मेरी बिल्ली है या खिलो, अरे ये क्या लगा दिया भाई तूने, पता नहीं भाई क्या था वो। और ये आई थिंक बारबेक्यू है ना, हाँ। और ये पता नहीं क्या है, ये चेस है, हाँ। और ये रहा पूल, क्या बात है। और ये आई थिंक गार्डन है मेरा, ओ भाई जरा घर के अंदर देखते हैं क्या है भाई, मस्त है भाई ये गेम, फर्नीचर वगैरह इधर तो। और ऊपर चलते हैं, ऊपर क्या है, ऊपर है लाइब्रेरी है मेरी, ओके छोटी सी। और आई थिंक ये प्लेइंग एरिया है लिविंग रूम टाइप, ये देखो ये वो है सॉकर क्या, तो इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा क्या है। और ये पूल आई थिंक, हाँ। और ये भी कोई गेम है, पता नहीं कौन सी गेम है, अंग्रेजों की होगी कोई। और ये मेरा कंप्यूटर गेमिंग पीसी, क्या बात है, यहाँ पे बैठ के गेम वेम खेलूंगा मैं रोज। और भाई अंदर क्या है, डिस्को, ओके चिल एरिया, ये बार टाइप कह सकते हो, डांस वांस करना तो वो देख सकते हो वहाँ। भाई साहब क्या बात है, ओपी भाई, वैसे घर बहुत बड़ा है ये मेरा। इसकी इन्वेंटरी देखते हैं, और इन्वेंटरी तो मतलब नॉर्मल सी, आई थिंक इसमें मैं नेदर और उन सब में नहीं जा सकता, तो एक्सप्लोर मुझे यही वर्ल्ड ही करना पड़ेगा। और ये क्या प्लेन वाला ऑप्शन, अच्छा उड़ भी सकता हूँ मैं, वाओ। और ये रहा मेरा वो घर, ओ भाई ये तो बहुत बड़ा घर है, क्या बात है भाई साहब, ओपी है ये तो। तो ये गेम में वैसे ज्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए, तो अगले गेम पे बढ़ते हैं। तो अब मैं ट्राई करने वाला हूँ फैंसी क्राफ्ट को, आई होप चल पर, अरे भाई ये भी नहीं चल रही, पता नहीं भाई क्या चल रहा है ये मेरे साथ। तो अब एक काम करते हैं, क्यों ना स्मॉल हाउस क्राफ्ट को ट्राई कर लेते हैं, तक आई होप ये वाली चल पड़े। ओके नाइस, अच्छा ठीक है भाई समझ गया। तो और यहाँ पे कुछ भी नहीं भाई, सिर्फ एक प्ले का ऑप्शन है, स्कैनिंग वर्ल्ड है, अभी अभी तो गेम में आया मैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी दो वर्ल्ड बने पड़े हैं, मैंने तो नहीं बनाए। तो एक काम करते हैं टू वाला ट्राई करते हैं, देखते क्या है अंदर प्ले। तो ये आ चुका मैं, यहाँ तो सिटी है पूरी, तो ये आई थिंक पूरी सोसाइटी टाइप बना रखी है, इसमें ऐसे देखने लायक तो कुछ है नहीं, पता नहीं भाई क्या है ये। तो एक काम करते हैं अब अगले गेम की तरफ बढ़ते हैं। तो क्योंकि अभी दो तीन गेम्स चली नहीं, तो उसकी जगह मैं कुछ गेम्स ट्राई करने वाला हूँ क्राफ्ट्समैन की, जैसे कि एक क्राफ्ट्समैन मॉन्स्टर इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, और एक क्राफ्ट्समैन सर्कस भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो हमारी क्राफ्ट्समैन हो चुकी है डाउनलोड, चलो खेल के देखते हैं कैसी अंदर से ये। आई होप भाई ये चल पड़े, क्योंकि भाई परेशान हो गया मैं, कहते गेम्स चलती नहीं है। तो क्राफ्ट्समैन क्या बात है भाई, लोडिंग इसकी बढ़िया है, नॉट बैड क्या भाई, बिल्कुल माइनक्राफ्ट की कॉपी तो है। और बैकग्राउंड क्या बात है भाई, बैकग्राउंड अच्छा लगा इसका, लेकिन लोड क्यों नहीं हो रही भाई, जल्दी हो जा। ओके तो ये रहा मैं, जिसका नाम है EFE है, ये कैसा नाम है भाई। तो सेटिंग इसकी देखे तो सेम ही होगी भाई, क्या ही देखे सेटिंग, टाइम वेस्ट करेंगे अबे साले। चलो करते हैं प्ले, और ओ भाई साहब ये क्या है, तो इसमें पहले से तीन वर्ल्ड से 100 days 1 block। ओके तो इसमें सर्वर्स नहीं है क्या, फीचर सर्वर्स दिख नहीं रहे क्योंकि, लेकिन एड जरूर दिख गई भाई। तो एक काम करते हैं बनाते हैं एक न्यू वर्ल्ड, क्रिएट न्यू। ओके तो यहाँ से बिल्कुल माइनक्राफ्ट की वो शुरू हो चुकी है। एक चीज चेक करनी मुझे इसमें, बहुत से लोग कह रहे थे इसके ग्लोबल रिसोर्स में एक रिसोर्स पैक होता है उसको एक्टिवेट कर लेना, इसको करें, और सिक्योरिटी टॉयलेट इसको भी कर लेते हैं क्योंकि भाई इसी यही तो गेम है। वैसे इसमें टेक्सचर पैक नहीं आया माइनक्राफ्ट वाला जैसा लोग कह रहे थे वैसा, इसको करते हैं क्रिएटिव। और रिसोर्स पैक है यहाँ पे कोई काम का, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं, बाकी क्रिएटिव वगैरह करके कर देते हैं क्रिएट इसको, और पुराने वाले कंट्रोल सोर्स सिलेक्ट। तो आ चुका हूँ मैं गेम में, और क्या है भाई यहाँ पे करने को, ये क्या चीज है भाई, सिक्योरिटी टॉयलेट। हाँ भाई यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहा है मुझे, ट्रेड है, ट्रेड क्या दे रहा है भाई तू, अरे शेफर्ड, पता नहीं क्या है भाई। वैसे गेम के ग्राफिक्स अच्छे हैं, माइनक्राफ्ट है तो अच्छा ही है भाई। अब एक काम करते हैं सीधा चलते हैं विलेज की तरफ। तो मैं आ चुका हूँ टेलीपोर्ट विलेज के पास, जल्दी से लोड हो जाओ यार, इतना टाइम क्यों लगाते हो तुम। यहाँ पे दो बेड दिख रहे हैं लेकिन विलेज नहीं दिख रही, ओके दिख रही धीरे धीरे। और विलेज में भाई सिक्योरिटी टॉयलेट घूम रहे हैं, RGB वाला लॉल, अच्छा विलेजर को मार रहा है क्या, ये ज़ॉम्बी है क्या असल में, मैं इनसे ट्रेड कर सकता हूँ बुचर, पता नहीं भाई कैसे टॉयलेट है ये, ट्रेड कर रहे हैं। और आयरन गोलम भी पंगे ले रहा है भाई, क्या बात है, वो मार दिया उसने भाई, ओए पीछे भी है उधर, ओए दो बंदे मार रहे मिलके, एक बंदे को ले भाई मार दिया, क्या कर रहा है तू ये बेरोजगार को बचा रहा है बेशर्म आदमी भाई। ये फनी सीन है देखो, सब सिक्योरिटी टॉयलेट उसको मार रहे हैं लॉल। अब एक काम करते हैं नदर में चलते हैं, सबसे पहले इसकी इन्वेंटरी देखते हैं जो, अरे इन्वेंटरी तो है ही नहीं इसकी कुछ, क्या है बस यही चीजें हैं इसमें, मतलब सर्च वाली, मतलब है इन्वेंटरी पूरी लेकिन वो सब कहाँ गया पता नहीं भाई, मैंने तो निके डेवलपर थे। एक काम करते हैं ऑब्सिडियन लेते हैं, प्लिंट एंड स्टील लेते हैं, और एंडर आई लेते हैं, चलो नेदर में। तो ये रहा नेदर, और क्या बात है, ओ भाई बहुत मस्त लग रहा है वैसे नेदर, ये जो वाइब आ रही है लाल लाल सी बायोम में, क्या बात है भाई साहब, ओपी सही वाइब दे रहा है यार ये नेदर यहाँ का। एक काम करते हैं लोकेट करते हैं फोर्ट्रेस को, तो मैंने खुद को फोर्ट्रेस के बाद टेलीपोर्ट किया, लेकिन फोर्ट्रेस है कहाँ पे भाई, है दिख नहीं रही मुझे, पता नहीं कहाँ गई भाई, टेलीपोर्ट तो मैं यही हुआ था, फोर्ट्रेस ही नहीं दिखी, वाह लॉल। चलो एनीवेज फोर्ट्रेस देख के भी क्या कर लेंगे हम। एक काम करते हैं अब
स्ट्रॉन्ग और देखते हैं। चलो वैसे इसका लोडिंग वाला बैकग्राउंड अच्छा है। लोकेट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो चलो नीचे चलते हैं अब ढूंढने अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को। तो चलो ढूंढते स्ट्रॉन्ग होल्ड को। और ये एक अबैंडन्ड विलेज के नीचे है और ये रहा। तो स्ट्रॉन्ग होल्ड तो भाई वही होगा और रूम वगैरह देख सकते हो, ये नए वाले हैं। ये बाकी गेम्स में नहीं देखे मैंने। हाँ ये ऐसे ऐसे रूम जो है तगड़े लगते हैं भाई लूट वाले। और भाई स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑब्वियसली बड़ा होगा, ये लाइब्रेरी एक वो भी है, दो तीन होती है। और अब ढूंढते अपने पोर्टल को, कहाँ है भाई वो? ओके ये रहा। गेम मोड करते हैं अपना क्रिएटिव और लगाते हैं अपनी आंखें यहाँ पे, अपने नहीं मतलब एंडरमैन की। और चलो पहले ऐड देख लेते फिर आराम से खेलते हैं। अब देखते हैं भाई क्या मामला है यहाँ पे। और ये एंडरमैन है, वैसे स्किबरी टॉयलेट यहाँ पे होना चाहिए था, मजा आता देखने में उसको। तो ये ओके एंडरमैन और वो रहा ड्रैगन उड़ रहा है हमारा, जो कि ऑब्वियसली सेम है। भाई टेक्सचर्स में फर्क है, थोड़ा सा स्मूथ लग रहे मुझे ये। ले भाई तीन चार हिट तो खा ही ले तू। वैसे इसकी हेल्थ इतनी जल्दी जाती है क्या मुक्के से? तो ये रही हमारी एंड सिटी, जो कि ये एंड सिटी है इतनी सी भाई, ये तो एंड ही है भाई, सिटी तो दिख नहीं रही मुझे। क्या है भाई ये, कुछ समझ नहीं आया मुझे, मजाक कर दिया तो एंड सिटी के नाम पे इन्होंने। तब हमारी आज की आखिरी गेम है क्राफ्टमैन सर्कस, तो इसको भी ट्राई करते हैं। अनाउंसमेंट ओके एग्री करो। तो ये किंग क्राफ्ट क्यों आया भाई? तो मुझे एक गेम मिले रॉयल क्राफ्ट 2 करके, इसको इंस्टॉल करते हैं। तो अब करते हैं रॉयल क्राफ्ट को प्ले, जो कि होगी नहीं भाई ऑब्वियसली, सॉरी। तब उसकी जगह भाई इसको डाउनलोड करते हैं। मेरा भाई सेम गेम चेंज कर करके दिमाग खराब हो गया। ये सब गेम्स ऐसे चलेंगी लेकिन पीसी में नहीं चल रही, क्योंकि एमुलेटर सपोर्ट नहीं कर रहा शायद, इसलिए इन सब गेम्स को फोन में जरूर ट्राई करूंगा मैं। तो चलो अब इसको ट्राई करते एक्सप्लोरेशन क्राफ्ट को। और ये भी नहीं चल रही भाई, सीरियसली बेकार है भैया, मैं तो टूट गया, खत्म हो गया यार मैं तो। तो अब ये वाली ट्राई करके देख लेते हैं भाई, क्राफ्ट स्काईलैंड लोकी प्रो लाइक भाई ट्राई तो करके रहूंगा एक नए गेम में। अब ये भी नहीं चलती है तो भाई फिर तो भाई मैं खेल ही नहीं रहा। तो ये हो चुके डाउनलोड, इसको करते हैं इसे प्ले। और आई होप चल पड़े प्लीज यार, मैं लिटरली 12 तरह गेम डाउनलोड कर चुका हूं। ओके तो ये चल पड़ी है। तो अंदर से कुछ ऐसी है, लोगों को कुछ है नहीं, नाम वाम ऊपर। यहाँ पे प्ले और सेटिंग्स है बस। सेटिंग्स में क्या क्या है, ग्लोबल रिसोर्स में जाके देखे तो ओके, स्टोरेज ऑडियो ये सब ओके सही है। अब सीधा प्ले करते हैं, क्रिएट न्यू वर्ल्ड, इसको करते हैं क्रिएटिव और करते हैं क्रिएट। चलो भाई देखते हैं गेम कैसी है। तो ये आ चुका मैं गेम में। और भाई यूआई तो बिल्कुल माइनक्राफ्ट वाली है, यूआई छोड़ो गेम ही माइनक्राफ्ट है ये। इसके ग्राफिक्स भी ओके बढ़िया हैं, अच्छे वाले हैं। और मैं स्पॉन हुआ जंगल और प्लेन्स और डेजर्ट, मतलब ठीक है मिक्स बायोम स्पॉन हुआ मैं। तो सबसे पहले इसी बात पे चलते हैं हम लोकेट करने विलेज को। तो ये रही विलेज ओके, केकिया विलेज में स्पॉन हुआ मैं। और आयरन गोलम भाई क्या हालचाल, बहुत स्मूथ है तू तो, मस्त लग रहा है ओके। अरे भाग क्यों गया मैं डर के, ये लोहल बिल्ली क्यों है तू इतनी ढीली है? और विलेजर भाई तेरे जो क्या हो गया, एक ग्लिच क्यों है भाई, कपड़े नहीं है क्या तूने पहने? किसी ना किसी गेम में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, कभी मॉब्स कभी ये सब। अब इसकी देखते हैं इन्वेंटरी, जो कि ओके ये अलग है, ये दो ये है। चलो एनीवेज इन्वेंटरी तो वही सब छोटी मोटी होती है। एक काम करते हैं, अब लेते हैं यहाँ से ऑब्सीडियन, बनाते हैं यहाँ पे एक पोर्टल, करते हैं इसको लाइट और चलते हैं। और ये रहा नेदर, जो कि बढ़िया है ओके, ऑब्वियसली सेम ही होगा, क्या ही एक्सपेक्ट करूंगा मैं इनसे, कुछ और थोड़ी बना देंगे। और मैं ये बाशन बायोम में, ये रहा ओके मॉब्स है यहाँ पे, और ये बायोम भी है यहाँ पे ओके, मतलब सेम है सब कुछ, नॉट बैड। और मिली मुझे एड, क्या बात है राइम। अरे साइड में फोर्ट्रेस है, ये तो मैंने अभी नोटिस की है, कहाँ पे फोर्ट्रेस, कहाँ खुल रही है ये? अच्छा स्पॉन है भाई, फोर्ट्रेस के साइड में खिला मेरा वो। अरे फोर्ट्रेस बड़ी अजीब सी है, मतलब होती ऐसी है लेकिन ये कुछ ज्यादा अजीब है। ये स्पॉनर जो कि तोड़ देता हूँ मैं, ही ही ही। छोड़ो भाई अब चलते हैं अपने पोर्टल की तरफ। तो यहाँ मेरा पोर्टल, यहीं पे लगभग 50 ब्लॉक दूर फोर्ट्रेस थी, क्या बात है। लोकेट स्ट्रॉन्ग होल्ड, तो अब मुझे जाना यहाँ से बिल्कुल नीचे। और पता नहीं क्यों ज्यादातर स्ट्रॉन्ग होल्ड विलेज के नीचे मिल रहे हैं मुझे, ज्यादातर क्या अभी तक जितने भी मिले सब यही मिले हैं। और ये वाली गेम में स्पेक्टेटर का मोड नहीं है भाई, तो मुझे खड्डा खोद के जाना पड़ेगा। और मिल गया आई थिंक, क्या बात है। तो भाई स्ट्रक्चर्स तो अच्छे लग रहे हैं भाई, देखने में बढ़िया लग रहे हैं। बड़ा मेन काम भाई मुझे पोर्टल ढूंढना पड़ेगा। अरे लेकिन मैं पोर्टल ढूंढू क्यों अगर मैं बना सकता हूँ? तो मैं तो बस स्ट्रॉन्ग होल्ड देखना चाहता था कैसा है, पोर्टल तो मैं बना सकता हूँ भाई कहीं भी। चलो भाई चलते हैं एंड में। और आ चुका हूँ एंड में, और बड़ी खुली छत है भाई यहाँ की। तो हाँ जी, तो ये रहा एंडर ड्रैगन, ले भाई तू भी दो चार हिट खा ले। तो ये रही एंड सिटी, हो भाई सब मुंह के सामने एकदम। तो ये होती है भाई एंड सिटी, वो पिछले वाली गेम में पता नहीं क्या था भाई, कुछ था ही नहीं उधर, ये इतना सा स्ट्रक्चर था बस, ये भी नहीं था शायद, छोटा था इससे भी। तो ये होती पूरी एंड सिटी, क्या बात है मस्त लग रहा है। तो ये थी कुछ गेम्स जो हमने डाउनलोड किया आज भाई, कुछ नहीं बहुत सारी हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 गेम्स, और लिटरली 12 में से आई थिंक 5 चली हैं बस, आधी तो चली नहीं। आप मुझे और कमेंट करके बताना गेम्स बढ़िया बढ़िया। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज आ चुका हूं मैं फिर से ट्राई करने माइनक्राफ्ट के कुछ खतरनाक क्लोन गेम्स, जो कि आप लोगों ने मुझे बताए हैं, और इन सब गेम्स का एंड में करेंगे हम रिव्यू, लेट्स गो। तो ये रहा हमारा प्ले स्टोर, और यहाँ पे सबसे पहली जो गेम है वो है लंडन क्राफ्ट, लंडन क्राफ्ट ब्लॉकी बिल्डिंग। अच्छा तो आई थिंक ये लंडन पे बेस्ड होगी, तो इसको अगर इंस्टॉल, रेटिंग अच्छी वैसे 4 की। ये कौन सी है भाई? तो यहाँ पे नीचे और भी गेम्स है, एयरपोर्ट क्राफ्ट, फ्लाई सिमुलेटर, अच्छा इसको भी ट्राई करते हैं, कुछ यूनिक ट्राई करेंगे भाई। ओ भाई साहब, अरे भाई ये तो खतरनाक लग रही है वैसे, फ्लाई वेरियस प्लेन्स, अपग्रेड एयरपोर्ट, अच्छा तो
आई थिंक कुछ रोल प्ले टाइप है, तो ट्राई करते इसको। और यहीं से नीचे जाए तो मोटरसाइकिल रेसिंग कराओ। अरे भाई साहब, तो आज मैं कुछ यूनिक गेम्स ट्राई करने वाला हूँ, तो इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं भाई। एक और गेम मुझे मिली जिसका नाम है कॉप्स एंड रोबर्स। आई थिंक ये कोई शूटिंग गेम है जो कि मैं भी माइनक्राफ्ट से इंस्पायर्ड होगी, क्योंकि करेक्टर्स इसके माइनक्राफ्ट जैसे ही है, तो इसको भी ट्राई करते हैं भाई। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं लंडन क्राफ्ट। लेट्स सी भाई कैसी होती है ये। बस आई होप चल पड़े, क्योंकि आधी से ज्यादा गेम्स तो चलती नहीं है भाई। ओके तो चल पड़ी ये गेम, तो ये है लंडन क्राफ्ट। ओके ऑब्वियसली भाई, तो ये रही गेम और रिमूव एड्स अदर गेम्स। अच्छा तो ये एडवर्टाइजमेंट है, इसको मैं हिला सकता हूँ। लॉल चल वहाँ पे। हाँ भाई अरे उधर जाओ। तो सबसे पहले यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है भाई, सीधा प्ले करते हैं, क्योंकि बाहर तो एड्स का ही सीन है और इतनी बड़ी एड आ गई भाई ऊपर। तो ये रहा हमारा कैरेक्टर, इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं, मुंह भी कस्टमाइज कर सकते हैं क्या। अच्छा तो ये बाकी आई थिंक एड देखनी पड़ेगी हम भाई, इतने वो नहीं है। ये सब क्या है भाई, माउंटेबल कूल चीता। चीता तो लग नहीं रहा क्या है ये, पोनी तो नहीं भाई, चीता ही ले लेते हैं क्योंकि हमें बीस्ट है। अरे ये क्या है भाई, ये चीता है। लॉल वैसे कोशिश अच्छी की बनाने की। अच्छा मैं वैसे माउंट कर सकता हूँ इस पे। चलो क्या बात है भाई। तो यहाँ पे इसकी कुछ ये है इन्वेंटरी जो कि हम यूज कर सकते हैं, बट अनलॉक कर सकते हैं एक्स्ट्रा ब्लॉक सेट्स वगैरह देख के, जो कि हमको नहीं करने। तो यहाँ पे नीचे भी कुछ है। अच्छा ये प्लांट्स है, ये आई थिंक अरे गाड़ियां भी है मेरे पास। ये वाली कौन सी गाड़ी है, वो रही। ओहो क्या बात है, तू नीचे उतर भाई और तेरे पे चल सकता हूँ मैं। ओ भाई क्या बात है, इसको उड़ाते है भाई जल्दी से। है ये क्या हुआ, अरे पर ये यार बहुत स्लो चल रही है, क्या है ये। बाहर निकल भाई, हम बाकी की इन्वेंटरी देखते हैं पहले। तो यहाँ पे क्राफ्टिंग के लिए भी अच्छा घर वगैरह बना सकते हैं हम। ओके अचीवमेंट्स तो भाई क्या ही होगी मेरे पास, प्लेयर तो ये मैं कस्टमाइज यहाँ से भी कर सकते हैं। सेटिंग्स है बाकी तो, रिमूव एड सेव द वर्ल्ड क्वालिटी भाई हाई रखो यार, क्या बात कर रहे हो तुम। मिड डे ठीक है ये। हेलो अंकल नमस्ते, चलो काम की बात करते हैं। मैं इसको दिल दे रहा हूँ क्या अपना, क्या हो रहा है। अरे लड़का, अरे भाई क्या कर दिया मैंने। तो यहाँ पे ये क्या है, घर बना सकता हूँ मैं अपना खुद का, ये अच्छा लग रहा है। ओके तो हाँ अब ठीक है, चलो टू फिल टैब लॉर्ड्स। अच्छा तो मैं अपना घर बना रहा हूँ। तो पता नहीं भाई ये क्या गेम थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने वैसे एक्सप्लोर भी नहीं किया क्योंकि मजा नहीं आ रहा था। तो हम करते एयरपोर्ट क्राफ्ट को ट्राई। चलो भाई ये भी ऐसी होगी भाई, क्या ही चेंज होगा इसमें। बट मैं बहुत टाइम से सेम ही गेम्स ट्राई कर रहा था, तो मुझे कुछ यूनिक ट्राई करना था। और लोडिंग तो भाई वैसी हुई इसकी जैसी उसकी थी, और सब कुछ सेम ही है भाई, मेरे हिसाब से भी वैसी होने वाली है। कोई बात नहीं, एक दो एयरप्लेन ही चला लेंगे अगर चलाने का मौका मिला तो। पता चला भाई आधी उम्र मेरी एड्स देखने में निकल गई। देखो भाई बिल्कुल सेम है, बस यार नाम बदला हुआ है। और ये देखो एड का सिस्टम भी सेम है। चल वहाँ पे, चलो करते हैं प्ले, देखते हैं भाई क्या होता है। चलो भाई सब कुछ सेम ही आ रहा है, चीजी के एड लेते हैं भाई। ओके सब कुछ सेम है यार। ओके तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। अरे मेरे को प्लेन चलाना है भाई, क्या करवा रहे हो मुझसे, ये समझ गया भाई नहीं चाहिए मुझे ट्यूटोरियल। और ये क्या है, ओके क्या बात है भाई। तो मैं यहाँ पे चला सकूँ कुछ भी तो नहीं, लेकिन ये तो खरीदने पड़ेंगे शायद। यही दो प्लेन चला सकता हूँ। ये क्या है, ये चलाते है भाई बोइंग 737, मस्त लग रहा है भाई। गोरेट लोटे है ये, क्या जगह है। चलो भाई ओके तो मैं शुरू कर दिया है। ऊपर कैसे लेके जाते हैं भाई, अब भाई ये तो बताओ ऊपर कैसे लेके जाए। अरे यार क्या गेम है ये भी, छी यार। तो वो गेम्स तो बहुत बेकार थी भाई। एक काम करते हैं क्राफ्ट्समैन हार्डकोर को करते हैं डाउनलोड, और एक करते हैं क्राफ्ट्समैन ज़ॉम्बी एपोकलिप्स, इसको भी कर लेते हैं डाउनलोड। तो क्योंकि ये मोटरक्राफ्ट भी वैसी होगी, तो मैं इसको भी नहीं खेलने वाला। अब सीधा चलते हैं कॉप एंड रोबर में। भाई सही में कितनी बेकार गेम्स थी यार ये, हंसी आ गई भाई मुझे। अब आप बोलोगे हंसी आई लेकिन हंसा नहीं। हेलो अबे साले, अरे तो गेम ही नहीं चली यार ये वाली। यार कितनी गंदी किस्मत है यार मेरी सही में। ओके थोड़ी लेट चली लेकिन चल पड़ी है। ओके थैंक यू भाई, बहुत स्लो चल रही है यहाँ पे, बट कोई नहीं काम चला लेंगे, एटलीस्ट चली तो सही है। फाइल चेक सक्सेस। तो ये गेम चल पड़ी है, और कलेक्ट करो बैटल नाउ। भाई मुझे बताओ तो सही करना क्या है पहले यार। ये बार भाई ये गेम लिटरली बार बार क्रैश हो जा रही है, मैं चौथी बार चला रहा हूँ इसको। अब अगर ये फिर से क्रैश होती है तो हम खेलेंगे क्राफ्ट्समैन को, क्योंकि और तो क्या ही खेले है। अब ना क्रैश हो प्लीज प्लीज प्लीज। ओके चल पड़ी, क्या बात है नहीं चली। तो ये गेम तो चल रही है लेकिन बार बार क्रैश हो जा रही है, तो छोड़ो भाई इसको, हम चलते हैं क्राफ्ट्समैन रीबोर्न। मैंने तो हार्डकोर डाउनलोड की थी, सही है मैं डाउनलोड होते नाम ही बदल दिया गेम का। तो गेम हो चुकी स्टार्ट, और बैकग्राउंड क्या बात है, माइंड का वाला ही है। ओके कब बंद करूंगा भाई ऐसी हरकतें में। वेलकम टू क्राफ्ट्समैन 2024 रीबोर्न। अच्छा तो ये रहा मैं स्टीव, और नाम मेरा स्टीव है लेकिन हूँ मैं एलेक्स, क्या बात है। और यहाँ पे सिर्फ दो चीजें हैं, मैंने सर्वाइवल रीबोर्न थोड़ी की थी डाउनलोड यार, जहाँ तक मुझे याद है मैंने हार्डकोर की थी, पता नहीं यार। तो ये है सेटिंग्स जो कि बहुत ही कम है, कुछ भी नहीं है भाई यहाँ पे तो। और चलो और तो कुछ भी नहीं, इसको करते प्ले। फ्रेंड्स सर्वर्स, ओके सर्वर्स है इसमें, क्या बात है। तो एक काम करते क्रिएट करते गेम को, ये करते क्रिएटिव, बाकी कोई चीज है सील डालते अपना भाई। बिस्टी पाई ऑलवेज शो कोऑर्डिनेट्स कंट्रोल
मुझे चाहिए नॉर्मली भाई। तो ये आ चुका हूँ मैं वर्ल्ड में, और क्या बात है भाई, इसके जो यूआई कंट्रोल्स के जो ये है बहुत कूल लग रहे हैं भाई, बाकी जैसे नहीं है। बाकी तो या तो येलो कर देंगे या तो पता नहीं क्या कर देंगे। सही है भाई, ये क्या चीज़ है रिमोट? रिमोट तो सेम ही होंगे, छोड़ो कौन ट्राई करे। तो सबसे पहले भाई क्या चेंज है इस गेम में, मुझे ये चेक करना है। कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। इन्वेंटरी में देखे तो लाल थीम अच्छी लग रही है वैसे, जेन्युइनली भाई येलो से तो बहुत बेहतर है। तो भाई टेक्सचर्स तो बिल्कुल सेम ही है भाई, टेक्सचर से याद है पहले यहाँ के टेक्सचर्स ने देखे, ये बायोम कौन सी है भाई बेकार सी। तो ये रही विलेज जो कि ओके सेम है, वैसे इसके टेक्सचर्स भी देखे तो सेम ही है, कोई चेंज नहीं है। देखो ग्रेवल, स्टोन, कॉपर और आयरन गोलम, क्या चाल तेरे। हेलो, आयरन गोलम भी सेम है माइनक्राफ्ट वाला, मतलब ठीक है, खतरनाक कॉपी है भाई। रीबोन के नाम पे भाई माइनक्राफ्ट दे दिए। हम देख रहे थे इन्वेंटरी जो कि बहुत कूल लग रही है भाई रेड थीम के साथ, और क्या बात है भाई सही है। टोटम एलिट्रा दोनों माइनक्राफ्ट वाले हैं, क्या बात है, मोस्टली गेम्स में चेंज होते हैं, मतलब टेक्सचर्स तो बिल्कुल सेम ही है माइनक्राफ्ट वाले। तो एक काम करते हैं, लेते ऑब्सिडियन को और लेते आईओ फेंडर को, चलो नेदर में। तो ये रहा नेदर, क्या बात है भाई एकदम सेम है, कोई चेंजेस नहीं भाई टेक्सचर्स में, बिल्कुल सेम है, क्या बात है। और क्या हाल चाल है तेरे, रोने वाली क्या बात है इसमें, और घूमने वाली भी क्या बात है, ये ले भाई। अरे मरने वाली बात भी नहीं थी, अबे साले। चलो ये छोड़ो, हम चलते हैं उस तरफ। तो ये आ चुका मैं फोर्ट्रेस के पास, फोर्ट्रेस कहाँ है भाई, ओके ये रही। तो ये बायोम भी यहाँ पे है जो कि सेम है, तो मतलब सब कुछ सेम ही है इसमें, देखने वाला कुछ और है नहीं। अब चलते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड को देखने भाई, क्या बात है भाई, स्ट्रॉन्ग होल्ड हमेशा विलेज के नीचे ही होता है इन सब गेम्स में, पता नहीं क्यों, जावा में तो ऐसा नहीं होता भाई, बहुत रेयर होता है ऐसा। तो ये रहा स्ट्रॉन्ग होल्ड जो कि ऑब्वियसली सेम होगा, ये लाइब्रेरी और एक और लाइब्रेरी वो नीचे है, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है ये तो। और ये रहा पोर्टल, चलो भाई अब देखते हैं एंडर ड्रैगन को एंड सिटी को। हाँ भाई उड़ते परिंदे, कहाँ पे है तू, आवाज तो आ रही हो रहे भाई, सरप्राइज मुझे डराएगा, ये ले अरे डर के भाग क्या। तो ये रही एंड सिटी, क्या बात है, और शिप होनी चाहिए यहाँ पे, आई डोंट थिंक है, अरे नहीं वहाँ पे है भाई, अरे भाई मैं भी गलत उस तरफ देख रहा था मैं, क्या बात है। एंड सिटी सेम है, एंड भी सेम है, सब बढ़िया सब चंगा। तो ये भी क्राफ्ट्समैन की है, ज़ॉम्बी एपो, ये क्या लिखा भाई, एपोकलिप्सिस, मैं सोचो स्पेलिंग गलत लिखे रहे लॉल, चलो कोई नहीं एपोकलिप्सिस खेलते हैं, लेट्स गो। इसमें भी एड्स बहुत ज्यादा होने वाली है मुझे लगता है भाई, गेम शुरू हो ही रही है, एड्स पहले आ गई। तो ये रही गेम भाई, ये क्या है भाई, सेटिंग्स तो बहुत मस्त है भाई इसकी, लेकिन ये क्या है, आई थिंक ये भी वैसा सीन होने वाला है, यहाँ से प्ले करूंगा एक नई गेम खुलेगी अंदर, लेट्स सी। है नहीं भाई, ये तो धोखा हो गया भाई मेरे साथ, अबे भाई क्रिएटिव करते इसको प्ले। लेकिन यहाँ पे स्किबिडी टॉयलेट क्यों है भाई, हमें तो ज़ॉम्बीज देखने थे, पता नहीं भाई क्या है इसमें। भाई मैंने लिटरली 6 एड्स देखे लगातार, लिटरली 6, पता नहीं क्या होगा भाई इस गेम के अंदर। और तो ये आ चुका आई थिंक गेम में, और मेरे पास गन है, और बहुत सारा ज़ॉम्बीज देखे मैंने। सबसे पहले भाई सर्वाइवल से क्रिएटिव करना है, मैंने बाहर किया था लेकिन आई डोंट नो हुआ क्यों नहीं। तो अब देखते भाई जरा क्या सीन है बाहर का। ओ भाई साहब इसको मार के देखते भाई एक बार, तो गोली तो वो पीछे चली गई, वो देखो वो जा रही है, इसको क्या हो रहा है, एक जन यहाँ निशाना लगा के देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ चलो ओके। ओ भाई साहब इसको क्या हुआ अचानक से, यार ये कुछ अजीब सा मामला है, ये कहाँ पे और में, अरे तो ऐसे एक फ्लैट वाले में बना रखा है इन्होंने एक स्ट्रक्चर सा, भाई साहब स्ट्रक्चर नहीं वैसे रोड वोड सब है यहाँ पे, आगे चल के देखते हैं, बहुत सारा ज़ॉम्बीज है यहाँ पे, ये तो बिल्कुल ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर है, मे भी 2-3 बना रखे होंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी इन्वेंटरी जो कि ओके सेम है, थोड़े बहुत ग्राफिक्स का अंतर होगा देख सकते हो, और रेड फिश है भाई, और ये क्या चीज है भाई, आइटम क्रिस्टल स्वॉर्ड, स्वॉर्ड फिश, डायमंड, गोल्ड, अच्छे अरे भाई साहब नए नए टूल्स भी ऐड हुए इसमें, क्या बात है सही है यार ये तो। बट हम सबसे पहले चेक करेंगे भाई, अगर हम इसमें सबसे पहले हम इसके नेदर और एंड में चेक करेंगे क्या मामला पानी है, हम जा भी सकते हैं या नहीं, वैसे जाना तो चाहिए भाई हमको। चलो भाई तो आ चुका हूँ मैं नेदर में, पता नहीं कहाँ पे आया और मैं। तो ये रही नॉर्मल बायोम, और भाई सब सेम ही होगा ऑब्वियसली, तो मैं यहाँ ज्यादा चीजें देखूंगा नहीं। तो नेदर तो देख सकते हो थोड़ा बहुत स्मूथनेस में फर्क है, आई मीन टेक्सचर्स के, बाकी सब सेम है, हॉग्स है यहाँ पे, हॉगलिंस है, घास के पास भी आई थी, सब कुछ सेम ही होगा, बाकी देख सकते हो भाई कितना मस्त लग रहा है ये, नॉट बैड। अब चलते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड में उसको देखते हैं। तो गाइस बात कुछ ऐसी है, इस गेम में कमांड्स बिल्कुल नहीं चल रहे, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैंने डाला कुछ नहीं आ रहा, यही सेम नेदर में भी हो रहा था फोर्ट्रेस के रिलेटेड। तो मुझे काम करना पड़ेगा कि मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड तो दिखा पाऊंगा नहीं मैं, तो एक तो यहीं पे मुझे ये बनाना पड़ेगा, तो एंड सिटी नहीं जा पाऊंगा, फिर तो मैं एंड ही दिखा देते हैं भाई थोड़ा बहुत। चलो यार एक्टिवेट नहीं हो रहा यार, अभी एकदम ढंग से बनाया यार मैंने, फिर भी नहीं हो रहा भाई एक्टिवेट, ये पता नहीं क्या सीन है, मे बी इसमें एंड है ही नहीं, पता नहीं भाई क्या सीन है। तो हमने ट्राई की ये कुछ गेम्स, ये तो नहीं की भाई, ये बहुत बेकार गेम्स थी सही में, ये वाली चली नहीं, बाकी ये दो चली ठीक थी, ये नॉट बैड, बट इस वाली में कमांड्स नहीं चल रही थी, और एंड में नहीं जा पाया मैं क्योंकि एक्टिवेट नहीं हुआ पोर्टल, चला ही नहीं पता नहीं क्यों। बाकी बढ़िया गेम है, ये वाली भी बढ़िया थी भाई, एकदम डिटो कॉपी थी माइनक्राफ्ट की, मजा आ गया। रीबॉर्न मैंने हार्ड कोड की थी, ये पता नहीं कहां से होगी, सही गेम थी सारी, बट इनको छोड़ के बची क्या, फिर यही दो बची। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी रहेगा, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।